हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कस्सा वीडियो में। मैं आप सभी को आज बताने जा रहा हूं, देखिए आयोग की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। 8 दिसंबर को ये नोटिस आया था, तो आयोग की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, आप सूचना है आप सभी के लिए, इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा 2023 की ये वैकेंसी है। आशुलिपिक मुख्य परीक्षा प्रारंभिकर्ता परीक्षा 2022 के आधार पर यह वैकेंसी आई थी, के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन आशुलिपिक के रिक्त 333 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से दिनांक 17 अक्टूबर 2023 से 6 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसमें आगे लिखा हुआ है, उपरोक्त के क्रम में सूच है कि शासन के पत्र संख्या 702/47/3/2023 दिनांक 29 नवंबर 2023 द्वारा आशुलिपिक के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई है। आगे लिखा हुआ है, अतः आयोग के विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा 2023 आशुलिपिक मुख्य परीक्षा प्रारंभिकर्ता परीक्षा 2022 के अंतर्गत आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के सूचनार्थ आशुलिपिक के रिक्त पदों पर चयन हेतु शासन द्वारा अनुमोदित उक्त परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम प्रकाशित किया जा रहा है। संलग्न लिखा उपरोक्त अनुसार नीचे दिया हुआ है पाठ्यक्रम, देखिए ये एप्लीकेशन लिखी गई थी, राम आश्रय राम उप सचिव ने सचिव को एप्लीकेशन लिखी थी। इसमें आगे नीचे लिखा हुआ है पाठ्यक्रम दिया हुआ है, नीचे देखिए ये दिया हुआ है पाठ्यक्रम। इसमें लिखा है आशुलिपिक के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम प्रथम चरण, मतलब इसमें 2 चरण होंगे, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। इसमें लिखा हुआ है प्रश्नगत परीक्षा में 1 प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समय अवधि 2 घंटा होगी, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा। और परीक्षा के प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें नीचे दिखा हुआ है लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना दी हुई है, देखिए इसमें भाग एक में जो है हिंदी परीक्षा और लेखन योग्यता से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। भाग एक में प्रश्नों की संख्या जो है 30 होगी और कुल अंक जो है 30, मतलब एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, मतलब 30% होंगे इसमें हिंदी के। और भाग दो में जो है सामान्य बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 15 क्वेश्चन होंगे 15 अंकों के। और भाग तीन में जो है सामान्य जानकारी के क्वेश्चन होंगे, भाग तीन में 20 क्वेश्चन होंगे 20 अंक के। और भाग चार में जो है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, तो इसमें 15 क्वेश्चन होंगे 15 अंकों के। और भाग पाँच में जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 20 क्वेश्चन होंगे इसके 20 अंकों के। टोटल जो है 100 क्वेश्चन होंगे 100 अंक के और 120 मिनट का ये पेपर होगा, मतलब 2 घंटे की अवधि का संयुक्त प्रश्न पत्र होगा। 5 भाग होंगे इसमें। नीचे जो है लिखा हुआ है नोट, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें पेपर में। ये जो है विस्तृत सिलेबस दिया हुआ है लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, विस्तृत सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसे। और नीचे दिया हुआ है द्वितीय चरण, मतलब प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण होगा, आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा, मतलब टाइपिंग परीक्षा होगी और स्टेनो परीक्षा होगी आपकी। इसमें लिखा हुआ है लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की आशुलेखन, मतलब स्टेनो एवं टंकण, मतलब टाइपिंग दक्षता परीक्षा परीक्षण हेतु द्वितीय चरण में आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रसंगत परीक्षा कंप्यूटर लैपटॉप पर होगी, मतलब जो परीक्षा होगी कंप्यूटर या लैपटॉप पर होगी, जो अधिकारी प्रकृति की, मतलब क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी। केवल ऐसे अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने यथास्थिति आशुलेखन एवं टंकण के लिए बेहद न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो। और आगे लिखा हुआ है हिंदी आशुलेखन और हिंदी टाइपिंग में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है, मतलब स्टेनो में जो है 80 शब्द प्रति मिनट मांगी जाएगी टाइपिंग और हिंदी में जो है 25 शब्द प्रति मिनट मांगी जाएगी न्यूनतम गति होना आवश्यक है, मतलब हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम गति होना आवश्यक है 25 शब्द प्रति मिनट की और स्टेनो में जो है 80 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग होना आवश्यक है न्यूनतम गति।
आगे लिखा हुआ है, आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। तो उसके बाद जो है टाइपिंग के बाद अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर मतलब श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी, मतलब फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर। तो मैंने जो है नोटिस पढ़ के बता दिया है आप सभी को। तो मैंने नोटिस पढ़ के बता दिया है आप सभी को 8 दिसंबर को ये नोटिस आया था, आशुलिपिक से संबंधित नोटिस था, आयोग की वेबसाइट पर नोटिस आया था, आप सभी के लिए आवश्यक सूचना थी। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।